हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ ना, वरना मैं खुद फासला रख लूंगी। गुड वन यार, फासला रखो वरना खुशबू लगानी पड़ जाएगी। फासला रखो वरना प्यार हो जाए। अच्छा मायरा जी, ये जो फिल्म है, क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे? ओह, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की हैं और वो उन एक्सपेक्टेशंस से मुझे इट्स अ बिट, शुड वी बी रेडी फॉर सम सरप्राइज? कुछ इसमें फर्क होने वाला है? यू नो, आई रियली कांट से, आई रियली डोंट नो, आई एम नर्वस बट आई होप कि यू नो, एक्चुअली मैं ये हमेशा कहती हूँ कि एन एक्टर इज एज गुड एज द फिल्म दैट ही डज। उससे बेहतर एक्टर अपनी फिल्म से नहीं बेहतर होता, एक्टर स्क्रिप्ट से बेहतर नहीं होता। तो जब आपके पास, हम तीनों को ये है कि शुएब साहब की फिल्म है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो इतने अकलमंद हैं कि उन्होंने हम तीनों में से किसी की बात नहीं सुनी जब भी हमने अपनी ओपिनियन दी। तो ये अच्छी बात है, ही जस्ट डिड व्हाट ही हैड। उसमें जो हमने काम किया है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग जाए वो, इंशाल्लाह। यस, इंशाल्लाह। मैं तो हर फिल्म से पहले, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा मैं होप करती हूँ, लेट दिस बी द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ द वर्ल्ड, इंशाल्लाह। हारून, फिल्म की तरफ आना, आपको एक्टिंग में नहीं देखा ना इससे पहले, तो ये अचानक से सरप्राइज कैसे हो गया? ये वैसा ही सरप्राइज है जैसे शायद मैं तो सबको ये कहता हूँ कि एक टाइम पे शुएब साहब एक ज़माने में जुनेद जमशेद और वाइटल साइंस को लेके आए, तो उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि चार लड़के जीन्स और टी शर्ट के अंदर एक मिली नगमा गाएंगे और बाग में खड़े हुए गा रहे होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से शायद आज से 10 साल पहले फवाद जिस वक्त शुएब साहब लेके आए, तो वो कोई भी नहीं सोच सकता था कि अच्छा फवाद ये कहाँ से आया है, ये तो एक म्यूजिशियन था, ये किधर से आया। उसी तरीके से कोई सोच नहीं सकता था कि आतिफ असलम भी एक्टर एज एन एक्टर नजर आएंगे, वो बोल के अंदर हमें एज एन एक्टर नजर आए। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ कि वो मैं भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह होगा कभी। Look who all he has equated himself to, आपने देखा? आपने तो किया ना, आपने तो फवाद के साथ काम किया है और अब इनके साथ। मैं आप ही कह रही हूँ ना, जुनेद जमशेद, फिर क्या कहा तुझे, जुनेद जमशेद, नहीं मगर मैं कह रहा हूँ, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए इतना बड़ी ये बात है कि मैं आज जब यहाँ बैठा हूँ तो ये सोच रहा हूँ कि यार मतलब है कहीं ज़हन में था कि अच्छा मैं सिंगिंग में हूँ तो कहीं मैं भी इस तरफ आ सकता हूँ, वन ऑफ लाइक मेरा नहीं, मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगा और ये मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप जो भी चीज करें ना, अगर आप दिल से कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एबिलिटी के लिहाज से, मगर दिल से करें, चाहे 5 लोगों के सामने बैठ के वो कर रहे हैं, चाहे 5,000 अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं इस नीयत से नहीं गा रहा कि मुझे फिल्म करनी है या मुझे कुछ और, मुझे सिर्फ ये पता है कि यार शायद कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो मेरे साथ कल को और काम कर सकता है। बिल्कुल सही। और हम आएंगे एक ब्रेक के बाद वापस और देखिए हम क्या क्या कुछ करते हैं। मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ है माहिरा खान और हमारे साथ है हारून और जर्रा। अच्छा माहिरा जी, कैन यू कम प्लीज इन गूगल विंडो? यस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर जो लोग ज्यादा सर्च करके आपके बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सो आर यू रेडी? यू हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज, सिंधी, पश्तो, उर्दू। हां, सिंधी, पश्तो, उर्दू। व्हिच लैंग्वेज? पंजाबी। पंजाबी? पंजाबी? क्या माहिरा खान को पंजाबी आती है? थोड़ी 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 ओनी पोनी। ओ, तो फिर पंजाबी का एक डायलॉग तो बोल के सुना। नहीं आती, नहीं। तो एक डायलॉग? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आई बेग ऑफ, प्लीज, नो, प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक डायलॉग।
एक डायलॉग, शक्ल पेड़ी है ते ज़बान भी पेड़ी होसी। ओए होए, वाओ, रियली बैड, प्लीज डोंट कीप दिस इन द थिंग, माय डायरेक्टर बिलाल अशारी विल किल मी फॉर दिस। सीरियसली? या या। अच्छा वैसे नेटिव जो लैंग्वेज है वो कौन सी, मादरी ज़बान कौन सी है घर में, कौन सी? उर्दू, हमेशा से? या, पेरेंट्स भी उर्दू बोलते हैं? जी जी, उर्दू और मतलब अंग्रेजी जैसे स्कूल में, बट हाँ उर्दू। कोई पश्तो, कोई सराइकी, कोई पंजाबी, कोई जीरो। इसलिए मैं जब मौला जट के सेट पे जाती हूँ ना, तो जब मैं अच्छा काम करती हूँ तो मेरे लिए बहुत तालियां। वेरी गुड। अच्छा गुड, क्या माहिरा खान की फेसबुक पे आईडी है? गिरे ना? नहीं गिरता। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, फेसबुक पे नहीं, पर्सनल आईडी नहीं है। यू नॉट अ फेसबुक यूजर? नो। तो इतनी सारी माहिरा खान फेसबुक पे है, वो बस है अपनी, अपने उसमें है माहिरा खान। गाना तो गा सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए था अच्छा गा सकती हैं। नहीं, हमें अच्छे से लेना तो नहीं, कुछ नहीं, अपने गाना का पूछा ऐसे। अच्छा, कौन सा गाना? कोई भी अपना, अपना जो विच यू कैन, you can sing, yeah, you comfortable singing, tell me which one, what simple simple melody, dil dil pakistan suna de, sabse simple melody. nahi 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 mahira, aapka koi pasandeeda gana to hoga na? mujhe nahi gana, ae ajnabi, abhi sun rahi thi aap, please please please. oh god, koi thoda sa वो देखें, ज़रार गाना शुरू हो गया। I swear यार, अच्छा, I'm feeling so shy, I don't know why. है? Really? Look at Harun. Yeah, I'm feeling shy, I don't know. ये तो यार, look at Harun, start singing. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी hot seat पे बैठी हुई हूँ, है ना? जी हाँ, कठेरे पे। अच्छा अच्छा, fine. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ये कौन बजा रहे हैं? आप बजा रहे हैं? ना बचाए, क्योंकि मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ कि मैं ट्यून के साथ गा लूँ। अच्छा चलो, उसके बगैर ही। हाँ हाँ हाँ, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, उसे तड़पाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। बस 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 बस, ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह, क्या आवाज पाई है, वाह 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 वाह, क्या बात है माहिरा, सीरियसली अच्छा मजा आया हमें। क्या माहिरा खान का कोई पेट है? पेट? हाँ, पेट नहीं, नॉट एनी मोर, ये तो हाँ। अच्छा, बेचारा मुझे, हाँ चले गए वो। I had a lot of pets growing up. भाई मेरे पास पता है क्या क्या होता था? अब जब मैं यहाँ आ ही गई तो मैं आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बताती हूँ। प्लीज। हाँ, कि जो है चूजे भी थे जो स्कूल में नहीं खरीदते, लव बर्ड्स भी थी जो एक पूरा वो था, फिर एक बिल्ली ने आके उस पिंजरे में जाके वो खाया। दैट वाज टेरिबल डे फॉर अस। दुम्बे भी थे, और मतलब एक पूरा का पूरा फार्म होता था। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। बिल्ली भी थी, एक पर्शियन कैट और कुत्ता भी। अच्छा, बट ये दुम्बे बड़े अनयूजुअल पेट। दुम्बा, अच्छा मैं आपको बताती हूँ दुम्बा क्यों पेट हो गया। भाई हमारे स्कूल में एक वो था फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना, तो अम्मा ने मेरी कहा कि यू कैन बी मैरी हैड अ लिटिल लैम। अच्छा, तो मैरी तो, बट लैम नहीं था, तो अम्मा ने फिर जाके दुम्बा लिया एंड आई वन द प्राइज इन स्कूल। आई वॉज मैरी विद अ लैम, आई वेंट टू स्कूल। अच्छा, उनका ये हुआ कि मुझे उससे हो गया कितने किलो का हो गया। नहीं, मगर ये बताए कि बारबेक्यू किया कि फिर कढ़ाई थी। दैट्स इंटरेस्टिंग। नो नो नो, he died his natural death. Yes. okay. But he grew up, he was pretty big. Okay. अच्छा, माहिरा खान की height क्या है? 5'6" and some. 5'6" and a half. But I think I'm 5'6". Okay. I like to add the half. अच्छा, माहिरा खान का zodiac sign क्या है? Star क्या है? मैं कस्प पे हूँ, so I'm a Capricorn and a Sagittarius. 21st December. और उसके characteristics क्या हैं? कौन सी खुसूसियात आपके अंदर हैं पूरी पूरी? नहीं, I don't know. 21st December. It is the longest night of the winter, but
पता नहीं, मुझे मेरी अम्मा से पता चलता है जब मैं, हाँ जब मैं बहुत स्टबन होती हूँ तो वो कहती है जस्ट लाइक नानी. सैजिटेरियस उसका मतलब है, ठीक है. अगर मैं कुछ और कर रही होती हूँ तो वो कहती है जस्ट लाइक योर सो एंड सो, मतलब कैप्रिकॉर्न. सो आई गॉट गेट टू नो दैट फ्रॉम माय मदर, वरना आई डोंट फॉलो. जब आप गुस्से में होती हैं तो आप अज़नान को क्या कहती हैं? जस्ट लाइक हु? यू? आई टेल हिम, जब मैं गुस्से में होती हूँ, मैं गुस्सा नहीं आता मुझे ज्यादा, जब बहुत आता है ना तो आई टेल हिम डोंट फॉरगेट वेयर यू हैव कम फ्रॉम. Don't forget who's the boss. Yeah. I tell him. Don't forget who's your mother. Yeah, who's your mother and who's your boss. Okay. So he laughs at my face. Then I say, you're my boss. I'm okay. अच्छा, माहिरा खान कभी फेल हुई हैं जिंदगी में, किसी जगह, किसी इम्तिहान में? हाँ हाँ हुई हैं. Even though I was a good student, लेकिन पता नहीं क्यों fourth grade में I got very bad marks in math. Even though in O levels, in my ad math, I want everybody to know I got an A. Oh great! Sports car है आपके पास? जी. Sports car है आपके पास? बस. I have heard कि आपको बड़ा passion है sports car का और इन चीजों का. मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी. गाड़ी नहीं चलानी आती. मुझे गाड़ियों का passion बिल्कुल भी नहीं. गाड़ी चलानी. चलानी नहीं आती पहली बात. दूसरी बात, I have no love for cars and I don't even have love for diamonds. What do you love then actually? I like. What do you mean? मतलब डायमंड क्रश है औरतों का, जिस औरत को चमकती हुई गाड़ी से, जिस औरत को चमकती हुई गाड़ी से और चमकते हुए हीरे से प्यार नहीं, उसको जिंदगी में फिर और किस चीज से प्यार होगा? है पता नहीं मुझे. खान देख लें. खाना. व्हाट? शी लव्स फूड. शी लव्स. अभी इनसे पूछे इन्होंने फूड की क्या खाया यहाँ पे. फूड आई लव फूड. अभी मैंने सब्जी खाई. आप कहीं से फूडी नहीं लगती हैं? हाँ लगती नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ. कहीं से लगता है कि माहिरा खान खाने की बहुत शौकीन है? बट आई एम, आई लव फूड, आई लव गुड. अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, चाहे आप रखें या ना रखें. वहीदा रहमान का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कहा तीन चीजें बड़े आराम चाहिए. ओके, एक जब आप दुआ मांग रहे हो तो आराम से गिव इट टाइम, यू नो. दूसरा जब आप प्यार कर रहे हो, गिव इट टाइम आराम से. तीसरा जब आप खाना खा रहे हो, गिव इट टाइम. और मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मुझे तंग ना करे, यू नो. हाँ तो आप तीनों चीजों में उस एडवाइस को फॉलो करती हैं? तीनों बिल्कुल. ग्रेट, थैंक यू सो मच. अच्छा आप हारून ने पूछने कुछ क्वेश्चन, बिकॉज़ हारून यू नो आर क्वाइट वेल. आप इतने दिनों से शूट कर रहे हैं. या बिकॉज़ ही नोज यू वेल ना, ही हैज बीन विद यू फॉर क्वाइट लॉन्ग नाउ टू नो यू वेल. हाँ कोई सवाल जो हमें भी ना पता हो कि यार माहिरा का मेरे पास तो है मगर स्टिल. ओके जब तक आप सोचे मैं एक सवाल पूछूं, माहिरा खान की खूबसूरती का राज क्या है? जानना चाहते हैं ना हम सब ये, तो तालियां बजाओ ना. ये हाँ आप बताइए. ये दिल की बहुत खूबसूरत है. ये तो है. अच्छा माहिरा जी आपके ख्याल में ब्यूटी सीक्रेट, कुछ ब्यूटी टिप दे दें. आई रियली एम नॉट अ बिग ब्यूटी रिजीम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. कोई टोटका, कोई चीज खास स्पेशल आपकी? तो मुझे लग रहा है लाइनें इतनी ज्यादा हो गई हैं, आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट. रियली? या आई एम लुकिंग. हां लाइनें मतलब इट्स ऑब्वियसली एज एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो. लेकिन उनमें ज्यादा ख्याल नहीं. बट यू आर गेटिंग ब्यूटीफुल विद एज. नो आई एम नॉट, दैट्स नॉट ट्रू. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोडक्ट्स का कम लग अपनी शक्ल पे, ठीक है, जितना कम हो सके. यू नो आई सी पीपल बहुत सारी चीजें लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं. ना करें, ना करें. हारून कोई सवाल आया ज़हन में? माहिरा आप अपना सिंगिंग करियर कब शुरू करनी है? उनको बहुत शौक है. शौक है हाँ, मतलब जब ये गा, obviously जब कोई गा रहा है तो फिर आप गाएंगे ना उसके साथ. फिर ऐसा क्यों ना करेंगे आप गाएं ताकि वो आपके साथ गाए. Oh my God! Oh my God! अरे आसिया, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मुझे साइकिल नहीं चलानी आती, किसी का स्कूटर ले आई हूँ. Oh no 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 no! वैसे, अरे तुम नहीं, माहिरा खान. क्योंकि मैं जब भी माहिरा खान को देखता हूँ, मेरा दिल यू 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 करता है. लेकिन नहीं. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे जब पता चला कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के मॉर्निंग शोज कर रहे हैं,
लेकिन डॉन आ गया है फरज जी के शो में. डॉन आ गया है इधर. माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अब यकीन करें कि मेरी जिंदगी का आखिरी सपना भी पूरा हो गया. आखिरी? हाँ आखिरी था ना, कि जहाँ पे मायरा प्राइस तो बनता है ना. क्योंकि अगर आज मैं मायरा जी के पीछे नहीं आता तो मुझे पाप लग जाना था, और मैं नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे. मायरा जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. अरे यकीन करें कि आपको फोटो में देखता रहा हूँ आज तक, जिंदा पहली मरतबा देखा आज मेरे सामने ना. मैं आपका, अब मैं कैसे बताऊँ आपको? नहीं हमें समझ आ गई आपको बहुत ज्यादा. यकीन करें कि मैं आपको देख के सच्ची मुझे शौक होगा. जब मुझे पता चल रहा था ना कि सुबह आप शो में आ रही हैं, सारा सोया ही नहीं हुआ, स्टिल जागता रहा. मेरी अम्मी पूछने शुरू हो गई कि बेटा खैर तो है? मैंने कहा अम्मी जी आप खुद ही तो कहती हैं कोई भी शो छोटा नहीं होता, लेकिन जहाँ पर मायरा आएगी वो शो बहुत बड़ा होता है. अब आप अभी उनसे बातें करने देंगे. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वी रियली रियली ग्लैड टू हैव यू. आप जा रहे हैं? ऐसे ही करते हैं, जब भी मैं आपके पीछे आता हूँ निकाल देते हैं मुझे लोग. तुसी ना जाओ. उन्होंने इतने प्यार से कहा कि तुसी ना जाओ, मेरा तो दिल करता है इधर ही बिस्तर बिछा लूं, इधर ही बैठ जाऊं. नहीं शुक्रिया. अगर मायरा जी के कहने पे हम इस तरह से चलेंगे तो इतनी लंबी लाइन बाहर लगेगी, हम किस किस को अंदर बुलाएंगे? अबे घर तो बनता है, देखना पूरी दुनिया मेरी बहन है, लेकिन हम मायरा जी के बहन है. ये तो क्या बात है ना, क्या बात है. देयर इज नो डाउट, किंग खान, किंग खान इज किंग खान. एंड मायरा जी क्या बात है. मैंने एक बात जो सबसे बड़ी है, अब जो एक सबसे बड़ा फेदर जिसे कहते हैं इन द हैट, इज आपने परफॉर्म किया है किंग खान के साथ, एंड वी रियली एडमायर यू इन दैट फिल्म, है ना? ये रही मायरा, मायरा जी, ठीक है? और इसके बिल्कुल साथ स्टूल रख दें इनको. अरे बस. अरे मायरा जी, ऐसे बहुत सारे क्रेजी फैंस होंगे, तो चले हम बार बार कह रहे हैं कि इज अ रिजेम्बलेंस जो थोड़ी बहुत शाहरुख खान साहब के साथ वी हैव, मगर लोग तो क्रेजीली इन लव होंगे ना आपके साथ. क्या खून से खत लिखना, स्टॉकिंग, पीछा करना, तंग करना, टाइप हमसे पूछे, हमें भी पता है, लेकिन हम उनसे पूछना. हमारे अकाउंट के अंदर देखें आप आके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो मायरा से मिलवा दें. है मायरा, सो यू आर ओके? आप कभी कभी तंग भी हो जाती हैं? आई, यू नो, आई एम ओके, आई एम ओके, आई डोंट गेट सो बॉदर्ड रियली. आई डोंट नो, मुझे नहीं तंग करती है बात की कोई. इनफैक्ट अभी मुझे, हाँ कभी 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 कभी, क्योंकि अब क्योंकि ये बिठा दिया है मेरे दिमाग में कि यू हैव टू वॉच आउट और देखना पड़ेगा वट एवर, कि यू नो हमारे पास चार दिन से यू नो होटल में चार लोग आके बस वहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हर रोज़ है, तो ऑब्वियसली कभी कभी आपको ये डर भी लगता है, क्योंकि दूसरे लोग आपको ये बोलते हैं कि हर किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, और और इन्होंने एक पिक्चर तो ले लिए. बट यू नो देर आर सम क्रेजी फैंस. इन फैक्ट हु वाज आस्किंग मी कि व्हाट वुड यू टेल योर चाइल्ड, आई डोंट नो व्हाट विल यू टेल. लोग बात कर रहे थे क्या? हम बात कर रहे थे किसको? कि वही हारून मुझसे पूछ रहा था कि यू नो आप क्या कहेंगे अगर आपका बच्चा कभी किसी से इस तरह ऑब्सेस हो जाए, बिकॉज हमने अभी बहुत इस तरह केसेस देखे हैं. तो आई वाज वहां से चला था, फिर इतने घंटे मैंने ट्रैवल किया, पता नहीं किस किस की पिटाइयां खा के मैं स्टेज पे आया, अपना वो प्रेजेंट ला के, दिस दिस आई मीन आई कांट इवन टेल यू. सो दीज आर फेजेस एंड आई लुक एट देम लाइक दैट. ये हमने कुछ सवाल करने हैं जी, और उसका जवाब या हाँ है या कभी नहीं है. अच्छा, सवाल बड़े अजीब से हैं. ओहो हाँ, सो लेट्स स्टार्ट इट. कभी अपने से बड़ी उम्र के बंदे से प्यार किया? अपने अपने से बड़ी उम्र के बंदे से प्यार किया? बंदी से यानी कि बंदा बंदी. हाँ ये क्या बात है, जरा रिचेंज. नहीं बड़ी उम्र की बंदी, वालदा से. उन्होंने कहा वालदा. हाँ माँ बाप. माँ बाप से? No, not that love. This is love mean love. That अच्छा, that love. अरे कभी एक वक्त में दो लोगों से प्यार हुआ इकट्ठा?
You fall in love with two people. Fall in love with two people? Fall in love with two people. No. At the same time. No? सच्ची मोहब्बत मिली? फिक्स ही कर लिया जरा आपने, जरा नॉट फेयर. सच्ची बात है. सच्ची मोहब्बत नहीं मिली? नहीं. बच्चे कितने हैं? सच्ची मोहब्बत नहीं मिली. अच्छा गुड. अच्छा प्यार में किसी का दिल तोड़ा? रोज ही तोड़ते हैं. अच्छा जी, कभी प्यार में किसी ने आपका दिल तोड़ा? Somebody dished you? अब तक तो कभी नहीं. Seriously? Lucky you. Yes, lucky me. जरा ये इतना सोचने वाली बात क्या है इसने? ये मैं पता नहीं, sure नहीं हूँ. नहीं, you should be sure ना. अच्छा. Good. अच्छा जी, कभी अपने किसी फैन के साथ डेट की हो? Somebody was. कभी. अरे कभी अपोजिट जेंडर को वो छेड़ा छुड़ा हो? ये लड़कों से खास तौर पे छेड़ा छेड़ा. हाँ, मतलब बेगम को बात करते हैं तो. हाँ, हाँ? कभी अपोजिट जेंडर को हरास किया हो? मायरा, लड़कियों के ग्रुप में कभी होता है ना, आप लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई एक बेचारा. नहीं, I'm not, I'm too shy to do that. Really? Good. अच्छा अब मुझे पता चल गया, गाड़ी तो आपने ही चलाई नहीं, इसलिए किसी की मोहब्बत में तकिए में सर छुपा कर रोए हूँ सारी रात दिल टूटने पे? When I was young, I was a crier. And now you're not? Not really. You cry so well in films. Film में कैसे इतना रो रहे? सारे जो उन्होंने आंसू निकाले थे, वो वहीं निकाल दिए. अच्छा, कभी अपने celebrity status का फायदा उठाया? I'm celebrity. I should have leverage. अच्छा, very good. As in कपड़े. उसको प्लीज बोल दो मुझे कपड़े ना दे. अच्छा मायरा, आप सब लोगों की फरमाइशें पूरी करें, मेरी भी एक करेंगी आज. बताएं. करेंगी ना? हाँ बताइए. हाँ वही. मुझे कुछ दिख रहा है. अच्छा बताएं. वही वाला. क्या खाना बनाना है? अल्लाह मियाँ. मेरी ये मेरी. But what do I have to make? I don't you, आपको लगता है कि मायरा को खाना नहीं बनाना आता होगा? नहीं. मायरा को आता होगा है ना? आपको क्या लगता है, मायरा को खाना बनाना आता होगा कि नहीं आता होगा? ग्लैमरस माशाल्लाह से हीरोइन ऑफ पाकिस्तान और इतना जबरदस्त, आपको कैसे लगता है कि इनको खाना बनाना आता होगा? लेकिन मुझे रोटी नहीं बनानी आती. चलिए टेढ़ी मेढ़ी खा लेंगे. अच्छा ठीक. आपके हाथ की होनी चाहिए जैसे. अभी क्या बनाओ? अभी जो मर्जी आप बनाएं. एक आप ऑमलेट बनाएं, एक ऑमलेट मैं बनाती हूँ. ऑमलेट कहाँ है? अंडे कहाँ? अंडे ये रहे. अंडे ये अंडे. हाँ और ये. लेकिन पराठा भी आपने बनाना है. ओके आई विल मेक. नहीं नहीं, पराठा नहीं मैं बनाऊंगी. तो रोटी सादा. हाँ हाँ ठीक है. नहीं 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 नहीं, मैं अंडा बनाऊंगी. हाय लामिया. अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट. ऑमलेट के लिए आपके कैमरामैन भी मुझे इस तरह देख रहे हैं कि हैरत से देख रहे हैं ना, बिकॉज़ दे डोंट एक्सपेक्ट कि हमारी. कहाँ है मेरा कैमरा? कौन सा? टॉप हीरो. क्लोज अप, क्लोज अप लें इस अंडे. इस अंडे का क्लोज अप. अच्छा वैसे आप घर में कभी कुकिंग? सो इसमें हमने नमक डाला, थोड़ा सा नमक. बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है. और ये क्या, काली मिर्च? नहीं नहीं नहीं, ये तो पत्ती है. अब हम लाल मिर्च डालेंगे. जी थोड़ी सी लाल मिर्च. ठीक है, और इसमें क्या डालने वाला है? इसमें हम ये मेरा वाला ऑमलेट है. अच्छा तो इसमें ढेर सारी हरी मिर्च डालेंगे. ढेर सारी हरी मिर्च. इसमें पत्ती भी डालती हूँ. और टमाटर. ठीक है, और थोड़ी सी प्याज. थोड़ी सी प्याज. और अब इसको हम करेंगे फ्राई. तो ये माहिरा स्पेशल इस ऑमलेट का नाम रखते हैं. माहिरा स्पेशल होता अगर आपके पास चीज होती. ओ तो इसमें चीज डल जाए तो ये माहिरा स्पेशल हो जाएगा. वाह भाई वाह, क्या बात है. सो Let me help you with that. कितनी oil? That's it. That's a lot. That's a lot. Yeah. इसका मतलब आप तेल कम डालती हैं, है ना? Yeah, I think that's. इसे तेल में डाल के आप बनाती हैं. सही? So. So. हम इसको like this and डालेंगे. Listen, listen, listen. Shake it, shake it, shake it. And you can. Okay. क्या माहिरा ने पहली दफा ही अंडा बनाया? No. माहिरा माशाल्लाह एक्सपर्ट है इसमें. किसने बोला है? किसी को भी नहीं लग रहा. कौन है मुझसे ही बोले? किसी को भी नहीं लग रहा. कौन
अच्छा सॉरी। अच्छा मायरा रोटी के साथ तजर्बा करते हैं। नो प्लीज 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 प्लीज। And you said so sweetly, not more than you. मैंने तो आपसे भी सीखा है कि प्लीज से वो कितने सारे काम करवा देता है। फिर हम स्टार्ट करें रोटी। हाँ बट इसको मैं देख लेती हूँ। अच्छा चलो लेट मी। अच्छा इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी मेरे हाथों का क्यों फोकस? इसलिए कि हम रियली देखना चाहते हैं कि अच्छा चलें देख लें भाई क्या माहिरा ने जिंदगी में पहली दफा रोटी बना रही है। किसको लग रहा है ये? बच्चों को लग रहा है यस। ये क्या सुन रहा है? एंड दिस इज आल्सो सी आटा खराब है माहिरा। आई टेल यू आटा खराब है। क्या क्या ऑमलेट ठीक नहीं बना है? क्या ऑमलेट खराब हो चुका है? अच्छा हम ऐसा करते हैं। नहीं 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 मैं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। ओके ठीक है इससे बनवाते हैं। मायरा इससे करें ना यूं करके दबाएं उसके। नहीं उन्होंने आपके यहाँ पे आने से मना किया है। मैं आगे हूँ मैं फिर भी। अच्छा हारून से देखने आया हूँ। हारून जस्ट क्या रहा है? अच्छा आप किस किस्म के हस्बैंड हैं इन रियल लाइफ? बताओ आप मेरे पर। बड़ा अच्छा हस्बैंड हूँ मेरे पर। मतलब अच्छा हस्बैंड कैसा होता है? क्या क्या करता है? ये भी खराब है और ये भी खराब। जब यूटेंसिल्स ही मुझे दिए मैं जो खराब है तो मैं क्या करूंगी? ओह अच्छा हाँ हाँ मैं आपको बता रही हूँ ठीक है। अच्छा मैं हर के हाउ गुड ही इज एज हस्बैंड ये तो मेरी बेगम से पूछना चाहिए ना। नहीं आप वेरी वैसे अच्छा मतलब क्या अच्छी बातें हैं आप में एज हस्बैंड? आप क्या बर्तन धोते हैं साथ? क्या किचन में साथ हेल्प कराते हैं? बच्चे की नैपकिन टाइम टू टाइम अपना वॉलेट घुमाते रहते हैं अपनी अपनी कीज ग्लासेस हर चीज घुमाते रहता हूँ मैं। हाँ तो वो बर्तन वगैरह तो वो खुद भी नहीं धोती तो मैं क्या किससे हेल्प कर सकता हूँ? हाँ क्या बात है मगर अच्छा एक अच्छी बीवी में क्या क्या कुछ होना चाहिए हारून? बस सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव अच्छी हीरोइन में क्या क्या कुछ होना चाहिए? सपोर्टिव सपोर्टिव होना चाहिए बिल्कुल। हीरोइन और बीवी दोनों का एक जैसा रोल है असूलन तो वो इसी तरह है। इसी तरह है सही। अच्छा गुड। आपने क्या इससे पहले माहिरा के हाथ का बना हुआ ऑमलेट और पराठा खाया? आर यू मेकिंग पराठा या रोटी? मेकिंग रोटी। रोटी मायरा की हाथ की बनी मार जरूर खाई है मैंने फिल्म में खास तौर पे। अच्छा हाँ वैसे तड़ाश करके थप्पड़ पड़े हैं। हाँ बन रहा है वैसे कुछ क्या बन रहा है? और अच्छा बन रहा है लुक्स गुड। डाल दूँ? डाल दे मेरा हाथ ना जला लीजिएगा। अरे छोड़ें। अच्छा बाकी अब जब मैदान में हम लोग आ ही गए हैं तो फिर अच्छा बाय द वे मैं अच्छा अब इसे क्या बात है भाई यार ये तो बन रही है बट इट्स टू मोटी। वो मोटी नो नो मोटी भी और बिकॉज़ पठान्स हैव अ मोटी। अच्छा अच्छा ओह सो बेसिकली आपका पठान टेस्ट है थोड़ा सा मतलब इस तरह की चीजें खाती हैं। आप चाहती हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूं ताकि पराठा बन जाए? चलें डाल दें डाल दें। बट यू सी इट्स टू हॉट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इट्स टू हॉट। अब हल्का हो गया बहुत ज्यादा नहीं ये भी कम हो जाएगा। मायरा यू कैन यूज दैट ये। अच्छा साथ में इससे बनाए ना ये ताकि आपके हाथ वो मायरा कभी किसी ने कहा है तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक हैं काम नहीं करना खराब हो जाएंगे? कभी किसी ने ये नहीं कहा। ये कोई बात मानने के लिए तैयार है? I swear मुझे मैं तो नहीं मानती मायरा। No one has ever said that. Really? Good. So हमने मायरा के हाथ का जबरदस्त सा ऑमलेट और पराठा बनवा लिया है। बन गया। और हारून जो है इसको टेस्ट करके बताने वाले हैं कि ये कैसा बना है। हारून हारून एक सेकंड हारून हारून टेस्ट No, but but this is too much oil, you know. No, I do, but paratha तो पता है कैसे बनता है ना आपको? उसके अंदर ऑयल डलता है और फिर वो होता है। देखा ये भी मेरे साथ हर सर हिला रहे हैं। अच्छा लेट्स टेस्ट इट। आई शुड टेस्ट इट। टेस्ट ये मैंने इतनी फरमाइश से बनवाया कि आई वांट टू टेस्ट कि आपके हाथ का बना कैसा होगा ऑमलेट। अरुण प्लीज मैं भी खाता हूं। परफेक्ट नमक परफेक्ट मिश्रण ऐसे है ट्राइड
अरुण बताइए. अच्छा एक्चुअली अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, वाकई अच्छा है. मेरे अब्बा के हाथ में मजा है और मुझे लगता है कि मेरे आपके हाथ में वाकई मैं जो देखने में मैं लग रहा था ना कि पता नहीं क्या, लेकिन परफेक्ट भाई, इतने जबरदस्त मजे का मैंने आपने अंडा मेरे सामने डाल दिया है. जहां पे ज्यादा शक रोटी पे था वो सबसे अच्छी, वो सबसे अच्छी वाली. क्या बात है, गुड. अच्छा अब आपके सामने मायरा आएंगी कुछ पिक्चर्स और हरुण आपके सामने भी और हम आजरार आपके सामने भी और हम कुछ कॉमेंट्स जो आपसे लेते. इनमें से कौन है जो पाकिस्तान का टार्जन का रोल परफॉर्म कर सकता है? टार्जन ऑफ पाकिस्तान, अदनान मलिक, हसन नियाजी या उस्मान खालिद, कौन टार्जन बन सकता है? व्हाट डू यू गाइस से? आई थिंक अदनान मलिक. ओके, अदनान मलिक. हां ओके. अच्छा इनमें से कौन है जो गाना गाते ताहिर शाह जैसा लगता है? हमजा. रियली? नहीं कोई नहीं लगता, बट हमजा, आई डोंट थिंक हमजा कैन सिंग. ओके लेट्स मूव ऑन. इनमें से कौन मीरा को इंग्लिश सिखा सकता है? एहसन. हेल्प मी दुर्दाना. हुमायूं. हुमायूं. ओके हुमायूं. ओके हुमायूं. इनमें से कौन जहाज में मिलने वाला खाना साथ सकता है? अदील. ओके अदील. यू नो व्हाई? या ही लव्स फूड एंड ही हैज दिस मिक्स दैट ही डज विद फूड. You won't believe it. Salad में सालन डाल देगा, इतना वो मिक्स करता अपना. Very good. कौन लड़के का रोल कर सकता है? लड़के का. सबा कपूर. सबा पे. ओके इनमें से कौन है जो रात को आधी रात को भी 12 बजे भी सिग्नल की बत्ती अगर लाल होगी तो खड़ा रहेगा? महविश हयात, आयशा उमर या सजल अली? मतलब who will not break the rule? Yeah, who will not break the rule? Under any circumstances. Oh, what do you say? कौन है जो ट्रैफिक के सिग्नल की लाइट पे खड़ा रहेगा रात 12 बजे भी? पूछ के बताना पड़ेगा. कोई गैस कर दे. आयशा, because she doesn't drive. Oh, अच्छा. इनमें से कौन है जो होटल से टूथपेस्ट उठा सकता है? होटल से टूथपेस्ट हम जाते हैं ना. मैं. Really? हाँ. Yes. I'm a big toothpaste chore. होटल में ना, I'm a big toothpaste chore. ये वो जेन्युइन निकली इनके पेट से खुशी. इसमें से कौन सबसे अच्छी फेक स्माइल दे सकता है? फेक स्माइल? दे ऑल हैव रियली नाइस स्माइल्स. या बट दे सकता है, वी डोंट से कि देता है. फेक स्माइल, आई डोंट नो. कोई भी? या दे ऑल हैव रियली नाइस. अच्छा इनमें से कौन है जो सेट पर दूसरों का खाना भी खा सकता है? मैं तीनों में से सिर्फ एक को जानती हूँ, एहसन. एसन. सो यू वोट फॉर एसन? बिकॉज़ आई डोंट नो. आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, मर्दाना. मैं तीनों को नहीं जानता. ओके इनमें से कौन पाकिस्तान का टॉम क्रूज हो सकता है? फवाद. ओके इनमें से कौन पाकिस्तान का शाहरुख हो सकता है? फवाद. ओके इनमें से कौन बैंक लूट सकता है? इनमें से कौन है जिसके सुपर हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? माहिरा, हारून, दरार, क्या लगता है आपको? Sheroz. Okay, so we'll vote for Sheroz Sabzwari. Thank you so much. पिक्चर क्यों नहीं है? आप लोग तो सुपर हिट है ना. आप देखें ये क्या हो रहा है. इन डिमांड भाई, अगर मायरा बनाएगी नाश्ता तो वो कौन जालिम है जो नहीं खाएगा, है ना? सच अ. और इसके लिए आपको ना मायरा के लिए आज क्लैप करनी पड़ेगी कि उन्होंने आपके लिए अपने हाथों से ऑमलेट बनाए हैं, पराठा बनाए हैं. पैर छू से चलता था सीनियर. आई एम सीनियर. हाँ बात पे चलता था. मैं सीनियर होने का रोब जमाती थी कि यार रीटेक करें दोबारा, क्योंकि वैसे मैं आपको असल में बात बताऊं, असल में सीनियर तो ये हम सबसे असल में. एक्चुअली ही बीन वर्किंग फ्रॉम अ बट देन आफ्टर ही हैज कम टू 7 इयर्स, यू नो, इंसान भूल जाता है. ये मैं श्वेप साहब को कहती हूं यू टेक सो लॉन्ग. फिर वो होता है ना बच्चा जो क्लास, ये नहीं मैं बोल सकती. अच्छा हम बात कर जाते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं कि यस आप इनसे पूछें कभी मैंने सीनियर होने का फायदा उठाया. कभी बी ऑनेस्ट. आई एम द स्टार. आई एम स्टार. Oh my God, Harun! No, I mean, she's never done that. Never. Done that. He has done that though. For the last 2 weeks, ये इतने बड़े स्टार हो गए कि
तो बिल्कुल ही इंस्टाग्राम लाइक हमेशा से ही इतनी अच्छी परफॉर्मर थी और हमेशा से ही इतनी अच्छी डांसर थी या आई एम लर्न विद टाइम आई थिंक आई एम अ गुड डांसर आपको नहीं लगता कि मायरा एक अच्छी डांसर है थैंक यू बट अभी हमें कितनी बार तारीफें करनी है नहीं हारून ऐसे खड़े जैसे सारे परफॉर्मेंस की हारून ने एग्जैक्टली हारून आपसे हमने एक गाने की फरमाइश ठीक है अच्छा एंड लेट्स सिंग अ सॉन्ग ओके सो थैंक यू वेरी मच गुड लक टू यू गुड लक टू हारून एंड जरार और आपसे लेंगे इजाजत अल्लाह हाफिज़ मायरा क्या सिंगल पेरेंटिंग ज्यादा मुश्किल है एक स्टार सुपर हिट हीरोइन के तौर पे अपने आप को सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल है एक सॉरी पेरेंट अकेले सिंगल पेरेंट या फिर एक सुपरहिट हीरोइन के तौर पे अपने करियर को सस्टेन करना एज अ वुमन ओफ जाते जाते इतना हैवी हैवी सवाल औरत के दो शेड्स है ना जिंदगी जी जी औरत के दो शेड्स तो जरूर है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यू नो मुझे लोग पूछते हैं हाउ हार्ड इज इट टू बी अ मदर आई सेड कि अगर मैं एवरी डे जो चीज़ें मैं करती हूँ चाहे वो एक बेटी हूँ या दोस्त हूँ या एक्टर हूँ या किसी की बॉस हूँ व्हाटएवर इट मे बी उसमें से सबसे आसान मेरे लिए हम चीजें करते हैं ठीक करना है यू नो वी डोंट थिंक टू मच डिसीजन करना है अगर पेरेंट्स जो मिलते हैं तो हर चीज है बाहर में आप वहां खड़े हुए आप जाते हैं सही गुड दैट्स द सॉरी सॉरी अरुण सो चले दिल की बातें सभी बिन कहे हमने होंठ खामोश हो आंखें कहती रहे We love you, Shweb साहब बातें सभी आंखों आंखों में बातों बातों में जीवन सफर कर ले सफर कर ले ओ अमर कर ले ये शाम फिर नहीं आएगी दिल उदास नजरे उदास दिल बर नहीं गर आस पास रात आवरना और बेकरार रहना लेकिन नहीं बेकार है कुछ भी नहीं अंगार है इस आग में जले क्यों पल पल जिए मरे क्यों हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर मुझे चले क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया संभल जिए तो खूब गुजरे जिंदगी अपनी हो रहेंगे मस्ता में सब जमानो सब मौसमों में हम सब मौसमों में हम कभी कभी वो होता है जो मिल जाते हैं लेकिन मिल के भी वो भूल नहीं पाते रल मिल घूमते फिरते घुल भी जाएंगे दीवानी रातों को मस्त दिल देंगे और अभी तो है ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू हौले हौले चले
जिंदगी